हेलो किसान भाई, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान दोस्त में एक और नए वीडियो। किसान भाई अब और नए दमदार इंजन के साथ में आ चुके हैं फार्मटेक 45 EPI पावर मैक्स। यह है नई सीरीज का फार्मटेक 45 EPI, जो पहले 48 हॉर्स पावर में आता था, पूरे 50 हॉर्स पावर में कर दिया है इसको। देख सकते हो आप, फ्यूल टैंक मिल जाता है किसान भाई इसमें, 50-60 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है इसमें। वही किसान भाई बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग की, तो ये मिल जाता है ड्यूअल एक्टिंग में, बैलेंस टाइप पावर स्टेयरिंग मिल जाती है आपको, और LED लैंप मिल जाते हैं आपको, और काफ़ी बड़े मिल जाते हैं लाइट इसमें। वही टायर साइज़ की बात करें किसान भाई, तो इसमें 6/50-16 के आगे के टायर मिल जाते हैं। और वहीं बात कर लेते हैं किसान भाई इसके पंप की, तो यहाँ पर ड्यूअल पंप आता था पहले, तो दोनों को अलग अलग कर दिया है, एक पावर स्टेयरिंग के लिए और एक हाइड्रोलिक के लिए, ताकि एक ख़राब हो जाए तो भी दूसरे को खोलना नहीं पड़े, इसलिए कंपनी ने अलग अलग कर दिया है। वहीं क्लच की बात करते हैं, इसमें ड्यूअल क्लच मिल जाता है आपको। और वहीं बात कर रहे थे आगे से, तो काफ़ी अच्छा लुक दिया है ट्रैक्टर का, देख सकते हो सामने से लुक ट्रैक्टर का। वहीं पावर मैक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी आगे, और वहीं आपको हैवी बम्पर मिल जाएगा आपको नए लुक में। इस साइड से भी देख सकते हो पावर मैक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी इस साइड भी। और इसमें बोस कंपनी का 3 सिलेंडर का इनलाइन पंप मिल जाएगा। और बैटरी बॉक्स की बात करें तो साइड में मिल जाते हैं आपको। और ब्रेक्स की बात करें तो ऑयल लिमर डिस्क ब्रेक में मिलता है ये, वहीं सिंगल प्लेटफॉर्म में मिलता है। ये देख सकते हो इंडिकेटर भी काफ़ी स्टाइलिश दिए नई डिज़ाइन में, और पूरे 50 हॉर्स पावर में कर दिया है, देख सकते हो केट लोगो के साथ में। वहीं सीट भी काफ़ी अच्छी दी गई है, ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, और एडजस्टेबल सीट है। ये है पल्टीप्लाव के लिए या ट्रॉली उठाने के लिए। वहीं आपको इसमें लिफ्ट मिल जाती है, ADDC लिफ्ट, ऑटोमेटिक गृह नियंत्रण वाली। वहीं किसान भाई बात कर लेते हैं इसके इंजन की CC की, तो इसमें 3514 CC का दमदार इंजन मिल जाता है। वहीं किसान भाई बात कर लेते हैं, इस साइड से भी देख सकते हो इंडिकेटर मिल जाते हैं नए स्टाइल में। वहीं इसके इंजन रेटेड RPM मिलते हैं आपको इसमें 1850 RPM। बात कर लेते हैं ऊपर से, तो देख सकते हो मीटर भी काफ़ी डिजिटल दिया है, और स्टेयरिंग भी काफ़ी छोटी है, घुमाने में आसान। देख सकते हो मीटर LED टाइप में दिया है। वहीं किसान भाइयों गियर की बात कर लेते हैं, तो इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिल जाते हैं इसमें। और ये है असली साइड शिफ्ट गियर बॉक्स मिल जाता है इसमें, कॉन्स्टेंट मैस। वहीं छोटा सा टूल बॉक्स दिया है साइड में। और किसान भाई बात कर लेते हैं इसके पीछे से, तो इसमें देख सकते हो UPI सिस्टम मिलता है आपको, ब्रेक भी अंदर आते हैं इसमें, पूरे ऑयल में डूबे हुए ब्रेक, और UPI सिस्टम होने के कारण गियर भी कम टूटते हैं ट्रैक्टर के। और इसमें देख सकते हो पीछे की भी, और पूरे ये आते हैं 5 साल की वारंटी के साथ में, देख सकते हो आप पूरे लोगों के साथ में है, पूरी 5 साल की वारंटी आती है ट्रैक्टर की। बात कर लेते हैं पीछे के टायर की, तो इसमें 14/9/28 के पीछे के टायर मिल जाते हैं। और वहीं किसान भाई बात कर लेते हैं इसके PTU की, तो 540 RPM और मल्टी स्पीड रिवर्स PTU मिल जाता है इसमें। और आगे से देख सकते हो टोचन करने के लिए हुक भी दिया है छोटा सा, ट्रैक्टर फंस जाए कहीं पर भी तो। और PTU पावर दिए गए इसकी 42 हॉर्स पावर। वहीं किसान भाई बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के वेट की, तो इसमें मिल जाता है आपको 2245 किलो कुल वज़न मिल जाता है ट्रैक्टर में। और देख सकते हो ट्रैक्टर का लुक सामने से काफ़ी अट्रैक्टिव है। वहीं यहाँ मिल जाता है आपको सिंगल बोनट के साथ में। और किसान भाई आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने किसान भाइयों तक आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद, आपका किसान दोस्त।